बड़ बड़ पसरारे सजा जाई भली कि भली सुस्वादु खाद्य गोटे कि दुईटी नुहे रही 56 भोग आपण निश्चय श्रीमंदिर महाप्रभु निकट में 56 भोग लगे हवा कथा जानिथिबे हेले गोमाता निकट में 56 भोग लगे हवा कथा हुए तो केबे सुनी नथिबे एई देखुनाहांती कुनी कुनी बाछुरी केमिति सेमानक पई हेबाकु थिबा एही भोगगुडीको सेवन करिबा आरंभ कलेनी। 56 भोग होची आमर गोटे एमती कार्यक्रम आपण जानिथिबे महाप्रभु श्री जगन्नाथक पाखरे सबुदिन 56 भोग लागे सेमती आमे मानु कि गोमाता होउचंती माने कृष्णंकर गोटे अवतार कृष्ण भी तो गोमातांकु पूजा करथिले तो आमर ए जो 56 भोग देखुचंती आमे प्रत्येक दिन लगो ता सहित किसी जोबले आम अतिथि आसबार था कहार म्यारेज आनिवर्सरी बर्थडे थिले आमर किसी थाली रखाई जमी 11,000 कि मान 500 मान 5,000 कि 21,000 जे तक खुशी हिसाब से जीक थाली लगे से दिन आम आउे एक्सट्रा आइटम आड हुए कितु प्रत्येक दिन आम 56 भोग लगे 4:30 टाइम जोटा कि आम सब स्टाफ मैंने था कि निज हाथ में आम जमी सब्जी कटिंग फ्रुट्स को डिजाइन कर कटिंग करूँ से 56 भोग आम लगो कारण भगवान को मंदिर में पूजा कले हुए तो भगवान सन्तुष्ट न था कि गोमाता आम जमी भी दौ गोमाता आमर 56 भोग लगे भितर आम गोमाता आम प्रसाद पाई सारिथा 56 भोग आमर जमती प्रत्येक दिन रहे फ्रुट्स जी प्रकार आपण फ्रुट्स देखिए आपल अंगूर नड़िया नाशपाति ये दृश्य हेउछि राउरकेला सेक्टर 14 नंद गाँव दृश्य केवल एठारे गोटे दिन नुहे एमती वर्ष तमाम गोमाता लगे हुए 56 भोग प्रतिदिन अपराह्न 4:30 समय रे गाई मानक निकट रे भोग लागी करा जाए भोग थाली उपरे देवा देवी को सुंदर सुंदर चित्र अंका जाए ता सह बहु प्रकार रो फल पनीपरिया मीठा दही भली बहु व्यंजन लागे हुए 56 भोग जो हम लगाते हैं ये ऑफ कोर्स अपने प्रांत में नहीं पूरे देश में गोमाता को लगाना न्यारा है क्योंकि 30 साल में वेदव्यास गौशाला का अध्यक्ष था और लगभग देश की 200 गौशाला का भ्रमण किया हूँ लेकिन मुझे ऐसा मौका देखने को नहीं मिला किंतु हमारी श्रीमती वृंदावन गई थी 56 भोग का दर्शन करके आई तब से घर में भी लगाती है और वेदव्यास गौशाला के माध्यम से जो भी कार्यक्रम वहाँ होते थे गोपाष्टमी है राधाष्टमी है जन्माष्टमी है सब समय लगाते थे और बाद में गोमंदिर गौशाला में लगातार लगता रहा अभी भी वहाँ लगता है और ये नंदगांव मिलने के बाद में और हमने उसका विस्तार करके उसमें जो श्रृंगार युक्त किया है तो इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि 56 भोग आज से नहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है जब नंदगांव में इंद्र भगवान ने पानी बरसाकर जो किसानों पर अत्याचार 7 दिन तक का प्रकोप में लिया था तो भगवान ने चुटकी अग्नि में गोवर्धन पर्वत को उठा करके उनकी रक्षा की थी तो 7 दिन के बाद जब अहंकार टूटा इंद्र भगवान का तो यशोदा मैया ने अपने लल्ला का स्वागत करने के लिए अभिनंदन करने के लिए एक दिन में 8 पहर होता है वो 8ों समय व्यंजन खाते हैं तो 7-8 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाकर अभिनंदन लल्ला का किया था। गोमाता को पाई खाली 56 भोग नुह एथसहित काजू आलमंड प्रति अनेक ड्राई फ्रुट्स मध्य एथिरे शामिल करा जाए जहाँ को अति आनंदर सह खाई थांती गोमाता माने गोमाता को नहीं नंदगांव एही नियारा प्रयास सबुठ हेबे चर्चार विषय पलटिछि। गोमाता को पाई 56 प्रकार भोग लगी आ गोमाता निजे आसी से भोगर आनंद नेउछंती गोमाता पहुँचती 56 प्रकार भोगर आनंद नेउछंती प्रसाद पाउछंती राउरकेला सहर रे एक नियारा परंपरा बहुत दिन रु चली आसुची प्रत्येक दिन ये गोटे दिन नुहे प्रत्येक दिन गोमाता 56 प्रकार भोगर आसर जमी सब प्रकार भोग अच्छी मीठा ठू नहीं फलमूल ठू आरंभ कर कुटी घास ठू आरंभ कर विभिन्न प्रकार प्रजातिर फलमूल ठू आरंभ कर सबकि गोमाता भोग लगी गोमाता एही भोग पाउचंती आमे मध्य देखी विभोर हेतिलु एते सुंदर भाव में प्रस्तुत करा जाइछि मांको पाई गो मातांको पाई ए भोग लागिछि राउरकेला कैमरा पर्सन शिवशंकर बारिक सह पवन तिवारी ओटीवी।